दोस्तों बात की जाए तो एंड्रॉइड की दुनिया में आपको अलग अलग तरह के स्किन यूआई देखने को मिलते हैं। वन यूआई, मी यूआई, जेन यूआई, फनटच ओएस, ओकलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ये सब स्टैंड कहां कहां करते हैं और इनमें से किसके क्या प्रोज है, किसके क्या कौन से, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देने वाला हूं आप लोगों को कि आप लोगों को मालूम है कि जो कंपनीज है ऐसी स्किन यूआई क्यों बनाते हैं, कि गूगल ने जो एंड्रॉइड दिया ये खुद क्यों नहीं बना लेते, मतलब वही एंड्रॉइड क्यों नहीं अपना लेते, क्योंकि ये क्या कंपनीज चाहती है कि अपने आप को दूसरी कंपनी से अलग दिखाना। सबको मालूम है प्रोसेसर सबके पास सेम होने वाले, डिस्प्ले सेम होने वाले, कैमरा सेम होने वाला है, और एक दूसरे से आप डिफरेंस क्रिएट करना होता है ना, तो अपने खुद का स्किन और खुद का यूआई बनाते हैं, ताकि ऐसा हो कि अभी जो कंज्यूमर जो उसका यूज कर रहा है फोन, अगर वो आगे चल के अपग्रेड करता है तो वो इन्हीं कंपनी किसी दूसरे फोन पे ही अपग्रेड करे और यहां पे अपने फोन के अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स डाल दे जो दूसरों के अंदर नहीं हो, जिससे मार्केट में थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाए। इसलिए शाओमी को देखो यार, मी यूआई पे कितना ज्यादा फोकस करता है। तो चलिए आज इस वीडियो में पता लगाते हैं आखिर आपको कौन कौन सी यूआई देखने को मिलती है, इनके अंदर क्या एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलती हैं और किसके क्या प्रोज है, किसके क्या कौन से। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कि सबसे पहले हम बात करने वाले स्टॉक एंड्रॉइड की। अब स्टॉक एंड्रॉइड के यहां पे मल्टीपल वेरिएशंस आते हैं, शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी। कोई एंड्रॉइड गो होता है, कोई एंड्रॉइड वन होता है, कोई स्टॉक एंड्रॉइड होता है, कोई स्टॉक एंड्रॉइड पिक्सल वाला होता है, लेकिन जो सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म होता है एंड्रॉइड का वो होता है गूगल पिक्सल वाला। अब पिक्सल वाली एक खास बात यह रहती है, ऑप्टिमाइज होता है, प्लस वहां पे आपको गारंटीड अपडेट्स देखने को मिलती है हर महीने, सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट। और मान लीजिए एंड्रॉइड 12 जब भी गूगल लॉन्च करेगी तो डे वन पे आपको जो गूगल पिक्सल फोन होते हैं ना, उन्हीं के अंदर इसका अपडेट देखने को मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन पता है इसके अंदर अच्छी और क्या क्या बातें रहती है, कि स्मूथ रहता है, स्टेबल एक्सपीरियंस देता है, साथ ही साथ आपको ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलते, एड्स देखने को नहीं मिलते, ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ छोटी सी ये जोड़ी हुई है कि हल्का सा बोरिंग सा लगता है। काफी सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि इसके अंदर वो सारे जरूरत के फीचर नहीं होते जो आपको कहीं दूसरे फोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर किसी दूसरी स्किन या यूआई के अंदर देखने को मिलते हैं। इतने सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन, थीमिंग, ये वो, ये सारी चीजें आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलती। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी जिनको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद नहीं आता, लेकिन मेरे को स्टॉक एंड्रॉइड वाली चीज काफी ज्यादा पसंद है। और रिसेंट कुछ लीक से पता चला है कि एंड्रॉइड 12 जो है ना, उसके अंदर भी आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है, और इस बार वो डिजाइन और यूआई में काफी ज्यादा चेंजेस करेंगे, जिससे ये होगा कि इस बार स्टॉक एंड्रॉइड भी ना देखने में काफी सही लगे और कस्टमाइजेशन के फीचर्स भी रहे। तो हाँ, इस बार भी हर साल जो गूगल है ना, वो कुछ ना कुछ नया करती रहती है और पिक्सल फोन से जहां पे उसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद बारी आती है स्टॉक एंड्रॉइड और एंड्रॉइड वन की। अब स्टॉक एंड्रॉइड आपने देखा होगा मोटरोला के फोन में, माइक्रोमैक्स के फोन में भी देखा होगा। अब क्या रहता है कि गूगल ने एंड्रॉइड बना दिया, वो एंड्रॉइड इनको जाता है, अब उसके अंदर वो ज्यादा चीजें छेड़ते नहीं है, बस कुछ अपनी ऐप से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल देते हैं और वो उसे अपना स्टॉक एंड्रॉइड बना के बेचते हैं। लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब ये नहीं रहता कि आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, बग्स हटाने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ये बात भी है कि स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब ये भी नहीं होता कि वहां पे अपडेट जल्दी आएगा। जी हाँ, तो आप ये ध्यान से हटा दीजिए कि स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब हमेशा अपडेट जल्दी आएगा। लेकिन ये चीज रहती है कि कई बार आपको स्टॉक एंड्रॉइड में वो फीचर्स देखने को नहीं मिलते जो आपको दूसरी जगह देखने को मिलते, इसलिए कंपनीज अपने खुद के फीचर या कुछ ऐप्स अपने डाल के देती है। मोटोरोला का काफी अच्छा एग्जांपल है। मोटोरोला कहने को तो स्टॉक एंड्रॉइड यूज करती है, लेकिन उसके अंदर मोटो एक्शन, मोटो डिस्प्ले, अलग अलग जो मोटोरोला के जो फोन्स के जो फीचर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नोकिया की बात करें तो एंड्रॉइड 1 का यूज करता है, और एंड्रॉइड 1 भी ऐसा है कि स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है, बस वहां पे प्रॉमिस किया जाता है एंड्रॉइड अपडेट्स अच्छे तरीके से मिलेंगी, लेकिन अभी भी एंड्रॉइड 1 में अच्छे तरीके से अपडेट्स नहीं मिलती। और तो और अगर आपको MIUI 3 याद है तो वहां पे एंड्रॉइड अपडेट्स के अंदर काफी सारे बग्स वगैरह भी देखने को मिले यूजर्स को। तो हाँ, ये एक चीज है कि स्टॉक एंड्रॉइड को हम पिक्सल वाला होता है उसे हम बेस्ट कह सकते हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनीज का होता है ना, उसे हम ऑब्वियसली स्टॉक एंड्रॉइड कह सकते हैं, लेकिन उसे हम दी बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार देखा है कस्टमाइजेशन वगैरह चीजें या फिर कुछ चीजें लोग अपनी खुद की इंप्लीमेंट करते रहते हैं, और अपडेट्स भी जो रहती है ना स्टॉक एंड्रॉइड, एंड्रॉइड 1, यहाँ पे जो गूगल की जगह जो खुद कंपनीज है वो हैंडल करती है। और एंड्रॉइड गो के बारे में बताऊं तो एंड्रॉइड गो भी स्टॉक एंड्रॉइड का ही फोक वर्जन है, जिसके अंदर इसे हम लाइट वर्जन कह सकते हैं। ये लगभग 6-7 हज़ार रुपए के फोन में आता है, जिन फोन के अंदर 2 GB उससे कम रैम होती है, और उन फोन के अंदर ये बात की जाती है कि यहाँ पे आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, प्लस एक गो ऐप और जो लाइट ऐप्स होती है वो चला पाएगा, यानी कि एंट्री लेवल फोन। और एंड्रॉइड को जितने भी फोन्स मैंने अभी तक देखे हैं ना, सबके अंदर जो एंड्रॉइड को है ना, वो स्टॉक एंड्रॉइड वाला ही जो होता है ना, वही देखने
देखने को मिलता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें आगे चल के ऑक्सीजन ओएस के बारे में, ऑक्सीजन ओएस के बारे में मतलब कहा जाता था कि स्टॉक एंड्रॉयड ऑन स्टेरॉइड्स, यानी कि उन्होंने स्टॉक एंड्रॉयड को लिया, उसी के अंदर चेंजेस करते चले गए, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड की जो स्टॉकनेस होती है वो नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरे यूआई के कुछ फीचर्स उठा के डाल दिए बिल्कुल। लेकिन आज के समय में ऑक्सीजन ओएस एक बिल्कुल ही हैवी स्किन जैसा हो गया, जहां पे आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते, कस्टमाइजेशन के ढेरों ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यहां तक कि आने वाले समय में आपको थीमिंग ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। ये काफी अच्छी चीज है, लेकिन बात है कि स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर ही वो चीजें लेते, उसी के अंदर ही चीजें मॉडिफाई करते हैं और धीरे धीरे चेंजेस करते, यानी कि पूरा नहीं बदलते, कुछ कुछ फीचर्स होते ना वो यहाँ पे इंप्रूव करते। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इंस्पिरेशन लेता है ना ऑक्सीजन ओएस, वो वन यूआई से लेता है। काफी सारे वन यूआई के जो फीचर्स हो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ, इस टाइप की चीजें ऑक्सीजन ओएस की इंप्लीमेंट हुई है, लेकिन ऑक्सीजन ओएस की बात है कि वन प्लस उसे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है, नए नए फीचर्स ऐड करती रहती है। यहाँ पे एनिमेशन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है और एक स्मूथ एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है, प्लस आपको एक सिंपल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि स्टॉक एंड्रॉइड की सिंप्लिसिटी रखी, लेकिन दूसरे जो ओएस होते हैं ना वहां से जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कस्टमाइजेशन के, वो सारे धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर दिए। लेकिन अभी क्या हो गया कि वन प्लस कुछ समय पहले तक स्मूथ एक्सपीरियंस दिया करती थी, अभी क्या होगा कि नए ऑक्सीजन ओएस में जब अपडेट आता है पुराने वन प्लस के फोन में, तो कई बार वहां पे कुछ ना कुछ बग्स या कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है, जिससे जो लोग होते थोड़े बहुत परेशान हो जाते। ये हमने देखा है कि वन प्लस 9 सीरीज के लॉन्च के बाद जो वन प्लस 7 और 7T में जो अपडेट आए ना, उसमें काफी सारे बग्स आ गए, जिससे जो लोग थोड़ा परेशान है। तो हाँ, इस टाइप की जो चीजें बग्स वाली वो ऑक्सीजन ओएस के साथ यहां जुड़ी हुई है। और इसी के साथ ही बारी आती है वन यूआई की। अब वन यूआई देखा तो स्टॉक एंड्रॉइड से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन बात यह कि इन्होंने सैमसंग का जो एक्सपीरियंस यूआई आता था उसी को ही इंप्रूव किया और वन यूआई को एक ऐसा यूआई बनाया जो कि स्टॉक एंड्रॉइड से अलग होगा, लेकिन जो पुराने सैमसंग के यूआई होते थे जैसे टचवेज वगैरह जो बहुत ही ज्यादा हैवी हुआ करते थे, वहां से उसे लाइट वेट किया गया, प्लस उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया गया, प्लस उसमें जरूरत के सारे फीचर डाले गए। और देखा तो फीचर रिचनेस के हिसाब से भी काफी सही है, जहां पे आपको कमाल कमाल के अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें नॉक सिक्योरिटी, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के इंप्लीमेंटेशन है। डेक्स के बारे में बात करें, अलग अलग चीजों के बारे में बात करें, वो सारी आपको यहाँ पे सैमसंग के वन यूआई के अंदर देखने को मिलती है, जैसे लिंक टू विंडोज और एक इकोसिस्टम जैसा बनाना है। तो हाँ, ये कुछ चीज है। इसके साथ एक अच्छी चीज ये कि वन यूआई में आपको बग्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो अब जो अपडेट्स होती ना वो यहाँ पे थोड़ी अच्छी है। सैमसंग क्या कर रहा है, यहाँ पे लगभग सभी फोन्स के अंदर अपडेट एक तरह से जल्दी पुश करने का ट्राई करता है और यहाँ पे काफी सारे फोन्स के अंदर वन यूआई के जो अपडेट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जब दूसरी कंपनीज बग्स इंट्रोड्यूस कर देती है, यहाँ पे जो बग्सनेस होती है ना वो कम देखने को मिलती है, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे जो गैलेक्सी स्टोर वगैरह जो एप्स रहती है वो यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन वगैरह शो करती है, कुछ कुछ केसेस में आपको एड्स भी देखने को मिल जाते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमने देखा कि अनइंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन नई सिस्टम अपडेट के बाद ही दोबारा से आपको देखने को मिलते हैं फोन में। तो हाँ, ये छोटी सी चीज जो अभी भी वन यूआई के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हाँ मेजॉरिटी जो चीज है ना कि अपने जो महंगे फोन्स होते हैं ना S सीरीज नोट सीरीज वाले, उनमें चीज बहुत ही कम होती है। जो A सीरीज और M सीरीज के फोन्स है ना उनमें चीज थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था सैमसंग के वन यूआई के साथ, लेकिन एक अच्छी बात है कि अक्रॉस द बोर्ड आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और एक बग फ्री एक्सपीरियंस होता है ना वन यूआई में, वो देखने को मिलता है। और इसके साथ हमारे पास जो ओएस है वो है कलर ओएस। कलर ओएस एक ऐसा है कि एक जमाने में काफी था कि iOS से इंस्पायर्ड था, लेकिन पिछले एक साल के अंदर कलर ओएस ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है और क्लोज टू स्टॉक दिया है, यानी कि ऑक्सीजन ओएस जैसी इवॉल्व हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन ओएस से उसे हम एक लेवल ऊपर कह सकते हैं। लेकिन बात यह कि जो ओप्पो के फोन में जो कलर ओएस आता है ना, ये उनके फ्लैगशिप वाले फोन जो फाइंड एक्स सीरीज के फोन होते हैं उनमें तो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन जो लो एंड वाले फोन होते हैं ना, डेफिनेटली वहां पे ब्लोटवेयर और कुछ नोटिफिकेशन वगैरह में एड्स वगैरह ये कुछ चीजें उनके सस्ते वाले फोन्स में रखी गई हैं, लेकिन जो महंगा फोन होता है ना वहां पे नहीं होती। और तो और बात ये भी कि जो कलर ओएस है ना पिछले कुछ समय में ऑक्सीजन ओएस से भी ज्यादा इवॉल्व हो गया है और जो ऑक्सीजन ओएस में जो फीचर्स आने वाले होते हैं ना वो कई बार को कलर ओएस में पहले दिख जाते हैं और उसके बाद घूम फिर के वो ऑक्सीजन ओएस में आते हैं। शायद यही एक रीजन है कि वन प्लस के जो चाइना में जो फोन बिकते हैं ना उनमें कलर ओएस ही देखने को मिलता है, ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो कलर ओएस में एक और वर्जन आता है जिसे रियलमी यूआई कहा जाता है। ये रियलमी के फोन के अंदर स्पेशल रियलमी यूआई है, लेकिन इंटरनली कलर ओएस है और रियलमी
MIUI को क्या किया गया है, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा बनाने की कोशिश की गई है, प्लस ढेर सारे फीचर डालने की कोशिश की गई है, ये यहाँ पे एक अच्छा काम किया है। हालांकि ब्राउजर वाली ऐप या कुछ ऐप्स होती हैं जो नोटिफिकेशन देती है और कुछ एक दो ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन एक आपको एक काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अगर मैं स्टॉक एंड्रॉइड के बाद एक अच्छे क्लीन एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ किसी बजट फोन के अंदर, वो कलर OS और Realme UI के अंदर ही देखने को मिलता है। कुछ माइनर बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं लेकिन ये फिक्स कर रहे हैं। इसके साथ ही जो Realme है वो धीरे धीरे अपडेट्स के अंदर भी इंप्रूव कर रही है और एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही है, और धीरे धीरे जो बग्स वगैरह होते हैं और जो एडवर्टाइजिंग वाली जो सिचुएशन है ना, वो भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी। तो हाँ, Realme UI और जो कलर OS होते हैं ना, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इवॉल्व हुए हैं। और अच्छी बात है कि कलर OS जिस तरीके से ओप्पो के फोन में इंप्रूव हुआ है, तो अच्छी चीज़ है कि Realme UI के अंदर वो सारे फीचर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और कलर OS से ही निकल के जो फीचर होते हैं वो ऑक्सीजन OS के अंदर जाते हैं। तो हाँ, पिछले कुछ समय में कलर OS इंप्रूव हुआ है और आने वाले समय में बोला कि ओप्पो के काफ़ी सारे फोन में कलर OS के भी जो कंसिस्टेंट अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे, और Realme ने भी बहुत सारे फोन के अंदर जो अपडेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रॉमिस करे हैं। और इसके साथ ही बारी आती है Funtouch OS की। Funtouch OS एक ऐसा OS है जिसे मोस्ट इंप्रूव्ड OS कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक ये पूरा iOS का कॉपी लगता था और अब एक ऐसा हुआ है कि स्टॉक एंड्रॉइड के उन्होंने लिया लेकिन वहां पे कुछ चेंजेस कर दिए, यानी कि क्लीन है, फास्ट है, आपको एक बग्स फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। हालांकि कुछ गेट ऐप्स, हॉट ऐप्स, गेट गेम्स, इस टाइप की फालतू की ऐप्स देखने को मिलती है, पुश नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं और ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, अगर ये एक रिमूव हो जाए तो काफ़ी अच्छा हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इंटरनल फीचर सेट भी अच्छा देखने को मिलता है और इसे भी हम कलर OS और ऑक्सीजन OS से कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए आईको ने भी जो वीवो का Funtouch OS है उसे यहाँ पे यूज़ किया और काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी भी परफॉर्मेंस निकाली है और बग्स वगैरह भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और आईको वालों ने भी बोला कि इसके अंदर आपको 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे, तो यार ये कुछ अच्छी चीज है। हालांकि कुछ ब्लोटवेयर से कुछ फालतू की चीज अगर वो रिमूव हो जाए तो काफी अच्छी चीज होगी। और एक और बात है कि जो वीवो है ना, ये आने वाले समय में ओरिजिन OS पे भी काम कर रही है। ओरिजिन OS के बारे में इतना पता चला था कि अभी तो वो रेडी नहीं है ग्लोबल मार्केट के लिए, अभी वो सिर्फ चाइनीज मार्केट के लिए रेडी है, लेकिन आने वाले 2-4 महीने यानी कि जून, जुलाई, अगस्त तक आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो ओरिजिन OS होता है ना, उसकी भी एंट्री इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अपडेट्स के मामले में जो वीवो की X सीरीज होती है उसके अंदर उन्होंने 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करे, ये काफी अच्छा काम है। लेकिन देखने वाली बात हो कि लोग वी सीरीज या वाई सीरीज उनके दूसरे फोन आते हैं क्या वहां पर भी अच्छे तरीके से अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम Zen UI की। Zen UI देखा तो Asus के फोन्स में देखने को मिला था, ROG फोन के अंदर आता है, वहां पे स्पेशल ROG फोन के हिसाब से थीम लगी हुई है, काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। हालांकि बात की जाए तो इसमें स्टॉक एंड्रॉइड जैसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट हुआ था। इसमें बहुत सारे फीचर्स इन्होंने इंप्लीमेंट किए थे, कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, कुछ लोगों को यहाँ पे बग्स देखने को मिले। प्रॉब्लम बस एक ही, जिस तरीके से जो अपडेट्स होती ना, वो उस तरीके से जो Asus है ना, वो अभी अपडेट्स वगैरह थोड़ी बहुत पुश नहीं कर पा रहा। देखते हैं इस चीज को किस तरीके से रिजॉल्व करता है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर UI नहीं है। और इसके बाद बारी आती है MIUI की। MIUI देखा तो Xiaomi ने स्टार्ट किया था 2010 में और MIUI से वो फोन कंपनी बने थे। लेकिन MIUI के बारे में एक बात बताऊं, 2014 में जब Xiaomi आई थी तो MIUI वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था, काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते थे और उस समय एंड्रॉयड स्क्रीन बहुत ही ज्यादा ब्लोटेड होती थी, हैवी होती थी, लेकिन MIUI में अच्छे फीचर के साथ साथ एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता था। ये चीज थी कोर MIUI का। उसके बाद धीरे धीरे MIUI इवॉल्व हुआ, फिर 2018 से एड्स आने लगे और सिचुएशन अभी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। अभी इस समय कहानी है कि MIUI के अंदर फीचर्स भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, अच्छे फीचर्स है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और MIUI में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कोई दूसरी स्किन और UI में देखने को नहीं मिलते, तो ये इसको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इसके साथ ही MIUI 12.5 के बाद बोला गया है कि इसको हमने काफ़ी सारा ब्लोटवेयर होता है वो काफ़ी सारा कम किया। इसके साथ ही जो सिस्टम ऐप्स होती है उसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मी पे जैसी ऐप जिसे आप अभी भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन कैलेंडर कैलकुलेटर को भी हटा सकते हो। तो हाँ, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने MIUI के अंदर इंप्लीमेंट करी है, इसको एक स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा लाइट वेट। और बात ये भी है कि जो Xiaomi के मी सीरीज के अंदर महंगे फोन आते वहाँ पे आपको एड्स देखने को नहीं मिलते, जो पोको के फोन आते हैं वो एड्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन रेडमी वाले फोन्स के अंदर सबसे ज्यादा एड्स देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ जगह पुश नोटिफिकेशंस देखने को मिलती है, कुछ अलग अलग चीज़ों से देखने को मिलते हैं, तो हाँ एड्स वाली सिचुएशन अभी भी है उसके साथ। और इसी के साथ MIUI के साथ एक और बात ये भी सुनिए कि MIUI देखा जाए तो आने वाले समय में सॉफ्टवेयर या एंड्रॉयड वर्जन के जो अपडेट होते हैं वो अपने साथ ज़्यादा लेकर नहीं आता, लेकिन जो MIUI वर्जन के अपडेट होते हैं ना उसे वो ज़्यादा कैरी करता। इसके साथ ही ये भी बात है कि MIUI के अंदर आपको कई बार आपको बग्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है और अक्रॉस
सपोर्ट हमने देखा है कि MiUi जैसे मान लो अभी फोन के अंदर चल रहा है, लेकिन जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो एक बग फिक्स होगा तो कोई दूसरा बग आ जाएगा। बग्स वाली जो सिचुएशन है ये काफी कॉमन है MiUi के साथ, और हर MiUi के फोन के अंदर आपको अलग टाइप के बग्स देखने को मिलते हैं, ये एक बात है। यहीं पर देखा तो पोको ने इसका एक थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन यूज किया था, जिसे लोग पोको UI कहेंगे शायद आने वाले समय में, लेकिन अभी इस समय पोको लॉन्चर है जहां पे एड्स नहीं देखने को मिलते लेकिन यहां पे ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको पोको की तरफ से थोड़ा अलग देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो ब्लोटवेयर के साथ साथ कुछ बग्स वगैरह भी आ गए हैं वहां पे, और जो महंगा जो मी फोन्स होते हैं ना वहां पर भी MiUi का अलग एक्सपीरियंस रहता है। देखा तो MiUi के अंदर काफी सारे फीचर है, काफी सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, बस MiUi के साथ प्रॉब्लम है कि एंड्रॉइड वर्जन जिस तरीके से अपग्रेड होता है ना, उस तरीके से MiUi वाले ना अपने एंड्रॉइड वर्जन से ज्यादा MiUi के जो वर्जन होते हैं वो यहां पे पुश करने की कोशिश करते हैं, हर फोन के हिसाब से अलग अलग फीचर्स देते हैं, और डेफिनेटली जो बग्स की जो सिचुएशन होती है ना अभी भी Xiaomi या MiUi को सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि हार्डवेयर तो ये लोग काफी अच्छा बना रहे हैं, बस बग्स वाली जो छोटी सी प्रॉब्लम है ना अगर ये सॉल्व कर दे तो यार काफी काम निकाल माल की होगी। तो दोस्तों ये कुछ कहानियां होती है आज के समय में UI की, ये काफी सारी स्किन्स है, काफी सारे लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड पसंद आता है और काफी सारे लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वहां पे फीचर नहीं है, और काफी सारे लोग ऐसे भी है जहां पर MiUi उनका फेवरेट बना हो क्योंकि MiUi में कस्टमाइजेशन और अलग अलग जो फीचर्स हो अलग लेवल पे दिए गए। तो देखा तो मार्केट में अलग अलग टाइप का UI देखने को मिलते हैं, सबके अलग अलग आपको फैंस देखने को मिलते हैं, इसमें से आपका सबसे फेवरेट स्किन UI कौन से बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में, गुड बाय।